जय श्री कृष्णा दोस्तों वेलकम बैक टू तो आवर चैनल आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे सो so दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करने जा रही है मेरी पर्सनल शॉपिंग है जो मैंने अपनी लोकल मार्केट से करी है तो ये इसका पार्ट वन है मैं एक साथ सारी शॉपिंग शेयर नहीं कर रही हूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आप लोग बोर हो जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ में बाकी की शॉपिंग शेयर करूंगी तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो नंबर वन दोस्तों आर्टिकल है ये देखिए मैंने एक वुलन सूट लिया है जो आजकल थ्री पीस चल रहे हैं देखिए कुछ इस तरह से है इसमें कॉलर हैं स्लीव्स इसके इस तरह से हैं फुल स्लीव्स में मैंने लिया है इस तरह से प्रिंट है और ये शेड में इसका कलर है ये देखिए और इस तरह से इसका वर्क है जैसे स्लीव्स में शेड है दोस्तों ऐसी इस पूरे कुर्ते में शेड है और नीचे है हमारा ये बॉर्डर और ऊपर है कॉलर और ऊपर है इस तरह से बटन और इस तरह से है हमारी एम्ब्रॉयडरी इसका दोस्तों जो पेंट है वो है प्रिंटेड अगेन बॉर्डर वाला आजकल काफी दोस्तों इनमें है तो मैंने एक ले लिया ये देखिए ये पूरा प्रिंट इस तरह से है प्लाजो का इसमें लाइक like, प्लाजो ही है नॉट पेंट प्लाजो और इस तरह से ये बॉर्डर है बहुत ज्यादा ढीला वाला प्लाजो नहीं है और साथ में है ये इसमें अच्छी खासी स्टॉल जो हमें एज अ शॉल भी हम इसको किसी और चीज के साथ साड़ी के साथ किसी और सूट के साथ भी यूज कर सकते हैं तो मैंने ये सोच के शॉपिंग करी है तो ये टिप आपके भी हेल्पफुल रहेगी अगर ऐसा कोई आप सूट खरीदते हैं तो आप इस तरह का ले सकते हैं जिसमें ऐसी इस तरह की शॉल आए जिससे आप किसी और साड़ी के साथ या किसी और ड्रेस के साथ पैरअप कर सके नेक्स्ट दोस्तों मैंने ये लिया है एक स्टॉल तो नहीं कहूंगी इसे मैं शॉल ही कहूंगी थोड़ा फैंसी शॉल है जो मैं कहती हूँ मस्ट है सबके पास होना चाहिए बिकॉज सर्दियों में पार्टी फंक्शन होते हैं कई बार सर्दी इतनी ज्यादा होती है हमें फैंसी लुक भी दे लेना होता है और लाइक लगता है कि कुछ कवर भी कर लें तो ये उसके लिए बेस्ट है ये देख सकते हैं आप ये क्रीम ये इस तरह से कलर है क्रीम और, और वाइट कलर है दोस्तों ये देखिए और ये इस तरह से है पूरा इस तरह से और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखाती हूं ये ऐसे है ऐसे है और नीचे जो उसका बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से है तो ये दोस्तों आप देखिए हम किसी भी साड़ी के साथ किसी भी सूट के साथ पेयर अप कर सकते हैं और ये कलर मैंने जानबूझ के इस तरह से गोल्डनिश क्रीमिश लिए है ताकि मेरी ये हर ड्रेस से मैच हो मुझे अलग अलग मैचिंग ना बनाना पड़े तो एक टिप दोस्तों ये हो गया ये मस्ट है नेक्स्ट मैंने लिया दोस्तों गर्मी आ रही है गर्मियों में क्या है रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर तो जीन्स क्या है हमारी कंफर्टेबल होनी चाहिए तो मेरे पास इस तरह की जो आजकल बेगी स्टाइल जीन्स चल रही है मेरे पास नहीं थी सारे स्किन टाइट हैं या बेल बॉटम स्टाइल है तो मैंने एक अपने लिए एक कार्गो लिया है ये कुछ इस तरह से है दोस्तों ब्लू कलर लिया है रेगुलर वाला और यहाँ इसके पॉकेट्स है और नीचे से आप देख सकते हैं काफी लूज है मतलब बहुत स्मार्ट लग रही थी सबसे बड़ी बात है कंफर्टेबल रहेगी गर्मियों में इससे रैशेस वगैरह नहीं होंगे बिकॉज लूज है फैब्रिक बहुत स्मूथ है और प्लस लूज होने के कारण हमारी स्किन में ये चिपकेगी नहीं तो एक मैंने लिया है अपने लिए ये कार्गो दोस्तों वेलवेट के सूट काफी ट्रेंड में है तो मेरे पास एक भी नहीं था इस साल फाइनली मैंने ले लिया मैंने ग्रे कलर का कुछ इस तरह से सूट लिया है ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है ये देख सकते हैं आप ये देखिए इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है बाकी पूरा सूट प्लेन है स्लीव्स इसकी इस तरह से यहाँ पे बेल स्लीव दी हुई है हल्की सी ये देख सकते हैं आप और साइड से स्लिट्स हैं और बिल्कुल प्लेन है इसके साथ अगेन हमें रिसीव हुई है ये पेंट आप देख सकते हैं कंफर्टेबल सी पेंट है और इसके साथ ये बिल्कुल प्लेन स्टॉल है ये देख सकते हैं आप कि आप देखिए जो मैंने ये वाला लिया है ना ये ये मैं इसके साथ भी पेयर अप कर सकती हूँ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ा सा शॉपिंग करती हूँ तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेती हूँ कि मैं चीज़ों को ज्यादा यूज कर पाऊँ अलग अलग तरीकों से अलग अलग मिस मैच करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ और, और जो पहले वाला सूट है उसके साथ भी परफेक्ट जाएगा बाकी इसकी स्टॉल तो यही है और इसकी स्टॉल का मैंने सोचा है दो चार बार यूज करके मैं इसका एक अच्छा सा इस पर आराम से एक ब्लाउज या एक टॉप वेलवेट का निकल जाएगा क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है तो मेरा ये भी यूज हो जाएगा स्टॉल मैं इस पर ये यूज कर लूंगी या कोई पतला दुपट्टा या हर जगह स्टॉल की जरूरत नहीं होती है तो मतलब मैंने सोच के यही लिया है कि मैं इसके बिल्कुल पैसे वसूल कर दूंगी फ्यूचर में ये देखिए आप इससे अच्छा खासा कोई टॉप ब्लाउज अच्छे से बन सकता है वेलवेट का और कलर ऐसा है जो सबके साथ जाएगा तो ये सोच के मैंने शॉपिंग करी है दोस्तों इसमें मैंने आपको दिखाया चार आर्टिकल बाकी दिखाऊंगी मैं पार्ट टू में आई होप आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे होंगे शॉपिंग करने का तरीका अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा शेयर करेगा कमेंट्स करेगा और मैं जाना सब्सक्राइब करेगा छोटे बैलाइक करना तो इस बिल कर लीजिएगा ताकि आपको कमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे